मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंशिएंट हानमास के बारे में, उनके ब्लड लाइन के बारे में। यार जो एंशिएंट हानमास है ना, वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, जरासी ग्रह में वो एग्जिस्ट करते थे। और मेरी बात मानिए, सच में ये हानमा ब्लड जो है ना, ये जितना नया लगता है उतना है नहीं, ये एंशिएंट जमाने से चलता आ रहा है। वैसे तो ज्यादा मांगा में हमें बताया नहीं गया है एंशिएंट हानमास के बारे में, और एनिमेट होने में तो सच में काफी वक्त लगने वाला है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने पिकल को ढूंढ लिया था माइन के अंदर, उसी तरह से उन्हें कुछ आर्किटेक्ट भी देखने को मिलते हैं एक जगह पर। वो लोग जब थोड़ी डीपली खुदाई वगैरह कर रहे होते हैं तो एक बड़ा सा एकदम केव उन्हें मिलता है, और अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो है सच में काफी गजब की कलाकृतियां बनी हुई है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक बाप और बेटा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और वो लोग बिल्कुल पिकल जैसा लग रहे हैं देखने में। पिकल जैसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो लोग बिल्कुल पिकल की तरह ही लग रहे थे, उसी के समय के लोग लग रहे थे, एकदम बिल्कुल वनमानुष की तरह बड़े बड़े शरीर के लोग। और साथ ही साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है देखने में उस पेंटिंग में, वो है डीमन बैक। ऐसे मतलब एक आदमी अपने हाथ को फैलाकर खड़ा हुआ है और उसके पीछे साक्षात डीमन का फेस दिख रहा है। और इससे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डीमन बैक जो है जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, जेनेटिकली उनके बच्चों में आता जा रहा है। जैसे योचिरो हानमा के पास था, वैसे ही योचिरो हानमा के पास भी है और बाकी के पास भी है। खैर जैक के तो बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वो प्योर हानमा ही नहीं है। खैर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं पिकल भी हानमा ब्लड से रिलेटेड लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि पिकल एक एंशिएंट हानमा हो। खैर उस समय तो बिल्कुल हानमा वगैरह की ऐसे पहचान नहीं करा सकते थे लोग क्योंकि वो पुराना समय जो था, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि ऐसे ही नहीं हो सकता। हो सकता है उसका लक अच्छा हो इसलिए वो बच गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के और भी ऐसे पुराने एंशिएंट हानमा वगैरह हो जो कि बच गए हो और उन्हें अभी तक खोजा नहीं गया हो। तो यार फादर सन क्यूरल आर्क में हमें बहुत कुछ और अच्छे से जानने को मिलेगा हानमा ब्लड के बारे में। खैर मैं जल्द से जल्द उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मैं आपके सामने उसे जल्द से जल्द ला सकूं। खैर इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल। आई एम आउट।